एवरीवन, वेलकम टू पवन बाग अकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक्स एनिमल्स स्पेशली। लास्ट मैंने आप लोगों को ये जो आपको स्लाइड अपेयर है सामने कॉर्पस ल्यूटियम तक करा दिया था कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, जो क्रेफेन फॉलोसाइल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड देन कॉर्पस ल्यूटियम में वाइट स्कार कॉर्पस एल्बिगेंस में कन्वर्ट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। यहाँ तक मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में करा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफेन फॉलोसाइल। मैं एक साथ तो इतना आगे नहीं बढ़ रही हूँ, कोई फायदा नहीं है। इतना इतना आगे बढ़ेंगे कि समझ में भी है और क्लियर भी होता चले। तो आज जो हमने पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफेन फॉलोसाइल। ग्राफेन फॉलोसाइल इज अ मेच्योर ओवरियन फॉलोसाइल, राइट? यही बताया था मैंने कि जो ग्राफेन फॉलोसाइट्स हैं वो हमारे मेच्योर ओवरियन फॉलोसाइट्स होते हैं। एंड सेंट्रिक सेकेंडरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय अ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ ज़ेना पेनिसिडा सिक्रेटेड बाय द वेटलाइन मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट। यहाँ पे देखिए, ओसाइट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, मैं बता चुकी थी। ओसाइट्स बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को, लेकिन जब वो इमेच्योर होते हैं, जब यही ओसाइट्स मेच्योर हो जाते हैं तब हम इसे बोलते हैं ओवम। लेकिन जब तक ये इमेच्योर है प्लस डिप्लॉइड है तब तक हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? ओसाइट्स बोलेंगे। इसलिए लिखा भी हुआ है सेकेंडरी ओसाइट्स, यानी कि अभी ये इमेच्योर है, मेच्योर नहीं हुए हैं। ये सेकेंडरी ओसाइट्स एक नॉन सेलुलर लेयर से कवर्ड होते हैं और उस लेयर का नाम होता है जोना पेल्यूसीटा। जोना पेल्यूसीटा। और ये जो लेयर है ये कहाँ से सेक्रीट होके आ रही है? ओसाइट्स की वेटलाइन मेम्ब्रेन से सेक्रीट होके आ रही है। अ सेकेंडरी ओसाइट इज सराउंडेड बाय अ नॉन सेलुलर लेयर ऑफ जेना पेल्यूसीटा एंड दिस लेयर इज सेक्रीटेड बाय वाइटेलियन मेम्ब्रेन ऑफ ओसाइट। ओके, द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड फाइब्रस कवरिंग इज कॉल्ड थेका एक्सटर्ना। अब ओसाइट्स पर यानी कि इन रिप्रोडक्टिव सेल्स पर एक आउटर लेयर होती है जिसको एक प्रोटेक्टिव और फाइब्रस कवरिंग होती है आउटर, जिसका नाम है थेका एक्सटर्ना। इट इज कॉल्ड थेका एक्सटर्ना एंड इनर टू इट्स सेलुलर थेका इंटरना। जैसे ये ओसाइट है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, सबसे पहले कौन सी लेयर थी? जोना पेल्यूसीटा, जोना पेल्यूसीटा था। फिर जोना पेल्यूसीटा के सबसे आउटर मोस्ट कौन सी थी? थेका एक्सटर्ना। अब इस थेका एक्सटर्ना के अंदर यहाँ जस्ट इनसाइड एक और लेयर होती है, इट इज कॉल्ड थेका इंटरना। और ये क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन एस्ट्रोजन। दिस इनर लेयर प्रोड्यूसेस द हार्मोन एस्ट्रोजन। इनर टू द थेका इंटरना द फॉलिकुलर सेल्स फ्रॉम द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। यहाँ पे ना एक हम लोग ना डायरेक्ट डायग्राम पर आ जाते हैं, यहाँ से बेटर है। यहाँ देखिए, ये आपको ऊसाइट है, यही है रिप्रोडक्टिव सेल्स, छोटा सा देखना। अब इसके ऊपर सबसे पहले एज यू कैन सी, हाँ यहाँ पे आउटर लेयर से बात करते हैं। इसकी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी थेका एक्सटर्ना, फिर इसके अंदर ये इनर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है जिस पर पूरी, ये है थेका इंटरना। उसके बाद यहाँ पर ये ब्राउन कलर की लेयर और होती है फॉलिकुलर सेल्स की, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स। फिर इसके बीच में कुछ खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, इट इज कॉल्ड एंट्रम। देन ओसाइट के ऊपर भी अपनी खुद की एक लेयर होती है, इट इज कॉल्ड कोरोना रेडिकुलेटा। इट इज कॉल्ड कोरोना रेडिकुलेटा और ये अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओसाइट। ये है ग्राफिन फॉलोसाइट पूरा, एक एक ग्राफिन फॉलोसाइट के अंदर एक ओसाइट होता है, ध्यान रखिएगा। दोबारा से देख लें, ये पहले ओसाइट यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स था, इसकी एक्सटर्नल लेयर हमारी थेका एक्सटर्नल, फिर इसकी इनर लेयर थेका इंटरनल, फिर इसकी एक और इनर लेयर आती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, इसका खाली स्पेस प्रेजेंट होता है, इट इज एंट्रम। फिर इस ओसाइट के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इट इज कोरोना रेडिकुलेटा और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है ओसाइट। अब हम समरी पर आ जाते हैं, अब थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो थेका
का इंटरनल एक और फॉलिकुलर सेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं मैम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, राइट। नाउ फ्रॉम द मैम्ब्रेन ग्रैनुलोसा द सेल्स डिफरेंशिएट इनटू अ डिस्कस प्रोग्लेरस एंड द कोरोना रेडिएटा सेल्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो मैम्ब्रेन है ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा सेल्स की मैम्ब्रेन के बाद जो ऊसाइट है ये अपने अलग अलग जो उसकी अलग लेयर होती है उसमें डिफरेंशिएट हो जाता है अलग लेयर में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ह्यूमलस ओफोर इज द टर्म यूज फॉर द ऊसाइट एंड सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स। यहाँ पे एक टर्म आपको दिखाई दे रहा होगा ह्यूमलस ओफरस, ह्यूमलस ओफोरस। एक्चुअली में जो ऊसाइट और ग्रैनुलोसा के साइड में जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है दिस वन, ये ग्रैनुलोसा है और ग्रैनुलोसा के पास में ये यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड क्या था, हाँ ऊसाइट, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए, यहाँ दोबारा से देख लेते हैं हम लोग। क्यूमुलस ऑफर्स द टर्म यूज फॉर द ऊसाइट एंड सराउंडिंग ग्रैनुलोसा सेल्स। कहा गया है कि ये जो ऊसाइट है और ऊसाइट के साइड में भी आपको ग्रैनुलोसा दिख रही है ना ये ब्राउन कलर की, इस पूरे एरिया को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलस ऑफोरस। ये जो टर्म यूज करते हैं ना ऊसाइट के पास का जो ग्रैनुलोसा सेल्स की सराउंडिंग है, दिस टर्म इज यूज फॉर क्यूमुलस ऑफोरस। अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम लाइज बिटवीन द ऊसाइट एंड द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा। अब यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो खाली स्पेस है यहाँ पे एक कैविटी है यहाँ पे ग्रैनुलोसा सेल्स और ऊसाइट्स के बीच में, जिसे हम बोलते हैं एंट्रम, एंड इट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड लिक्वर फॉलिकुली। और ये जो पूरा एंट्रम एरिया आपको दिखाई दे रहा है दिस वन, यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्वर फॉलिक्यूली। डायग्राम से ज्यादा क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ तक देखिए जो ओवरी वाला पार्ट था, फॉलिसाइट था, ओसाइट रिप्रोडक्टिव सेल खत्म हो गया यहीं तक था। अब हम लोग आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सेकेंड स्ट्रक्चर, ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब और यूट्राइन ट्यूब पर। यहाँ पे देखिए कल मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाया था, एज यू कैन सी यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये ओवरी थी, ओवरी का हम पूरा पार्ट इंटरनल स्ट्रक्चर सब कुछ पढ़ चुके हैं। जब यहाँ पर इंटरनल मतलब ओवरी आपको दिखाई दे रही है, इस ओवरी से यहाँ से एक ट्यूब आपको अराइज दिख रही है दोनों साइड में, इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या कुछ भी आप बोल सकती है। आगे बढ़ते हैं। These are a pair of muscular ducts lying horizontally over the peritoneal cavity. मैं एक बार ना peritoneal cavity दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा आपका है, यहाँ पर ओवरी आपको दिखाई दे रही है, ओवरी के बीच में कुछ स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिस वन दोनों की साइड में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये होती है बेटा आपकी पेरिटोनियल कैविटी। इट इज पेरिटोनियल कैविटी जिसके साइड में ये फेलोपियन ट्यूब हमारी अरेंज्ड होती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू बता दिया आप लोगों को। ओवर द पेरिटोनियल उसके जस्ट ऊपर द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ट्यूब लाइज क्लोज टू द ओवरी एंड डिस्टेंटली इट ओपन्स इनटू द यूट्रस। जो ट्यूब है ओविडक्ट है ओवरी से स्टार्टिंग हो रही थी उसकी, ये डायग्राम के थ्रू ही करना पड़ेगा आप लोगों को, विदाउट डायग्राम समझ में नहीं आएगा। इसकी ओपनिंग यानी कि सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है, ओवरी से है, और कहाँ पर एंटर हो रही है, इसका माउथ कहाँ पर ओपन हो रहा है, इस पूरे यूट्रस वाले पार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओपनिंग हमारी हो रही है, इसकी सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट है ओवरी, सपोज करो ये ओवरी है, ये क्या है फैलोपियन ट्यूब, इस तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है और फिर यहाँ यूट्रस में जाके उसकी ओपनिंग है इस तरीके से। अब ईच ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, दोनों ट्यूब की जो लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर है दोनों की। इट इज इंटरनली लाइन बाय सीलिएटेड एपिथेलियम एंड इट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री। ये अंदर से जो ट्यूब होती है लाइक दैट, ये अंदर से सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से लाइन होती है
और ये फैलोपियन ट्यूब हमारी थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। दिस ट्यूब इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। सबसे पहला रीजन आता है इनफ्यूंडिब्यूलम। द फर्स्ट रीजन इज इनफ्यूंडिब्यूलम, द प्रॉक्सिमल फनल लाइक पार्ट विद एन ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम सराउंडेड बाय मेनी फिंगर्स लाइक प्रोसेसेस कॉल्ड फिम्ब्रे। देन द सीलिया एंड द मूवमेंट ऑफ फिम्ब्रे हेल्प डिवाइडिंग द ओव्यूलेटेड एग टू द ऑस्टियम। देखो यहाँ पे हम समझते हैं पूरा डायग्राम से। सबसे पहले कौन सा था? फिम्ब्रे आपको दिखाई दे रहा हूँ, सॉरी इनफ्यूंडिब्यूलम। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है हमारा? इनफ्यूंडिब्यूलम। इनफ्यूंडिब्यूलम देखो, सपोज करो मैं हैंडसम ना, ओवरी दिस वन इज द ओवरी, थोड़ा ऐसी शेप होता है, इस तरीके से दिख रही है आपको इनफ्यूंडिब्यूलम वाला पार्ट, ओविडक्ट का, आई मीन टू से फॉलिकल, इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये जो पूरा इनफ्यूंडिब्यूलम जो ओवरी से ओपनिंग करता है, ओपनिंग को बोलते हैं ऑस्टिया। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ऑस्टिया। द ओपनिंग ऑफ इनफ्यूंडिब्यूलम इन टू द ओवरी इट इज कॉल्ड ऑस्टिया। ओके, फर्स्ट पॉइंट। अब इस ऑस्टिया पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ फिंगर लाइक पोजीशंस आपको दिख रहे हैं, एज यू कैन सी दिस वन इट इज कॉल्ड फिम्ब्री। ये ना फिंगर्स, दिस वन, ये फिंगर इस तरीके से ओवरी पे लगे रहते हैं, थोड़ा सा अटैच रहते हैं, इट इज कॉल्ड फिम्बर फिम्ब्रे, सॉरी द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इस ओवरी में देखो बिल्कुल इसे अटैच है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अटैच है ना, इट इज कॉल्ड फिम्ब्रे। होता क्या है, एक चीज मुझे बतानी है। यहाँ आप लोगों ने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पढ़ा होगा बेटा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो उसमें है सिंपल, आप कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पे आ जाओ, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पे आ जाते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा है ना कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन। व्हाट इज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, पढ़ते आ रहे हैं 8th 9th 10th 11th से। कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाना, रिलैक्स मतलब बिल्कुल एकदम रिलैक्स पोजीशन में आ जाना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही पढ़ा आप लोगों ने। देखो होता क्या है, ये जो फिम्ब्रे है और इस पूरे ओवरी डक्ट पर, आई मीन टू से फैलोपियन ट्यूब, इसकी लाइनिंग होती है सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू की लाइनिंग होती है। नाउ होता क्या है, इस पूरे फैलोपियन ट्यूब में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। यहाँ पर जो ओवरी में आपके सेल्स बने, रिप्रोडक्टिव सेल्स बने, ओवम पूरी तरीके से, इसको मैं हाथ से समझाती हूँ, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स बने, ये फिम्ब्रे हैं, यहाँ पे ये फिम्ब्रे अटैच है इस तरीके से ओवरी से। यहाँ पे सबसे पहले कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस हुई। कॉन्ट्रेक्शन की प्रोसेस से क्या हुआ, इस फिम्ब्रे ने प्रेशर लगाया, पूरे फिम्ब्रे ने क्या किया, इस ओवरी को प्रेस किया, करा कि नहीं करा। जब इस फिम्ब्रे ने ओवरी को प्रेस किया कॉन्ट्रैक्ट होने, इसके अंदर जो ओवम होंगे रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे वो कहाँ एंटर हो जाएंगे, फिम्ब्रे में एंटर हो गए कि नहीं हो गए, ऑस्टिया जो ओपनिंग थी इनफ्यूंडिबुलम की फिम्ब्रे ने प्रेस किया कॉन्ट्रैक्ट किया, और जो ओवम थे सबसे पहले आपके इनफ्यूंडिबुलम पार्ट ऑस्टिया के थ्रू एंटर हो गए। एंटर तो हो गए, अब ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है। अब वो यहाँ पर ओवम को रिप्रोडक्टिव सेल्स को पूरे यूट्रस पार्ट तक पहुंचाने के लिए कुछ तो चाहिए, अपने हम तो चल नहीं सकते, मोटाइल होते हैं वो, सॉरी नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते। अब होगा क्या, ये ओवरी हो रही है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, यही चीज हो रही है। पहले सेल्स यहाँ थे, पहले सेल्स सपोज करो यहाँ थे, जब हमारी जो फैलोपियन ट्यूब है कॉन्ट्रैक्ट हुई, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से, सिकुड़ने होने की वजह से आगे की साइड चले गए, रिलैक्स रिलैक्स हो गई एकदम, और जब उसको ज्यादा स्पेस मिलेगा तो अपने आप ही मूवमेंट करेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ रहे हैं, फिर रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट। इस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ओवम होते हैं फिम्ब्रे से इन्फ्यूंडिबुलम में एंटर करते हैं। लिखा से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, अब देखते हैं, यही लिखा हुआ था द ओपनिंग कॉल्ड ऑस्टियम, राइट, इनफ्यूंडिबुलम की ओपनिंग को क्या बोला, ऑस्टियम बोला। ऑस्टियम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थे जिसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रे, राइट। अब यहाँ पर जो सीलिया और फिम्ब्रे हैं ये क्या करते हैं, इस ओव्यूलेटेड एग को ऑस्टियम के थ्रू इनफ्यूंडिबुलम में एंटर करा देते हैं। अब क्लियर हो गया बहुत अच्छे से।
यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब का जो सेकंड पार्ट आता है वो है एम्ब्यूला। इट इज द मिडल लॉन्ग स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडा एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। मैं थोड़ा सा ना यही पे बना देती हूँ, बार बार डायग्राम देखना फिर ये करना और कंफ्यूज। सो मैं थोड़ा सा ये बना देती हूँ, फैलोपियन ट्यूब को कुछ इस तरीके से बनेगी लाइक दैट। नहीं थोड़ा सा गलत हो गई, थोड़ा सा इस तरीके से है एंड देन फिर यहाँ से यूट्रस में एंटर हो जाती है, होता है ऐसे। सबसे पहला पार्ट कौन सा था हमारा? इनफ्यूंडिबुलम वाला। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ छोटा सा इनफ्यूंडिबुलम। जैसे ही हमारा पार्ट फिनिश होता है, हमारा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट और मिडिल पार्ट स्टार्ट हो जाता है एंड इट इज कॉल्ड एम्प्यूला। इट इज कॉल्ड एम्प्यूला। यहाँ पर सबसे पहले ओवम यहाँ पर आए थे, अब यहाँ पर आए, फिर से कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स की प्रोसेस हुई। ये कहाँ एंटर हो गए? एम्प्यूला में हो गए। और एम्प्यूला एक तो मिडिल पार्ट तो होता ही होता है, लॉन्ग भी होता है स्ट्रेट भी होता है, मेरा तो थोड़ा सा ऐसे बन गया। इसके अलावा जो बेबी बनता है ना, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है स्पर्म और ओवम का, एम्प्यूला वाले पार्ट में होता है। दैट मीन कि स्पर्म को वजाइना से पहले यूट्रस में फिर फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट तक आना पड़ेगा और वहां होगा अवेलेबल ओवम, देन स्पर्म्स के साथ कॉम्बाइन होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, जब आप छोटे थे तो क्वेश्चन बनता था कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है यूट्रस के, मतलब यूट्रस से रिप्रोडक्टिव सेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन के किस पार्ट में होता है, तो आप लगाते थे फैलोपियन ट्यूब में। अब आपसे पूछा जाएगा फैलोपियन ट्यूब के किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है, होता है एम्प्यूला। लास्ट पार्ट होता है आपका इस्मस या कॉर्नस, कुछ भी बोल सकते हैं, दिस वन इज द लास्ट पार्ट, द डिस्टल नैरो पार्ट ऑफ द डक्ट ओपनिंग इनटू द ईयर। ये इस्मस जो लास्ट पार्ट होता है एकदम पतली सी होती है नैरो, और ये यूट्रस में ओपनिंग कर रही होती है। तीनों पार्ट समझ में आते हैं। अब थर्ड हमारा कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है? यूट्रस। तो पढ़ लिया हम लोगों ने ओवरी पढ़ लिया, ओवरी पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब पढ़ लिया, थर्ड आता है यहाँ पे यूट्रस। इट इज कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड द वोम। वोम बोलते हैं ना जहाँ पे बेबी पूरा ग्रो करता है। इट इज हॉलो, खाली होता है, मस्कुलर होता है, पियर शेप्ड का होता है, लोकेटेड अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये नीचे यूरिनरी ब्लैडर होता है और उसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है यूट्रस। इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर थिक, एंड द यूट्रस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजंस। यूट्रस को भी हम लोग 3 रीजन में डिवाइड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फंडस, द फर्स्ट वन इज द फंडस, सेकंड वन इज द बॉडी एंड द थर्ड वन इज द सर्विक्स। इसका डायग्राम मैं यहीं से बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। यहाँ पे देखिए ये मैं थोड़ा सा यूट्रस बना दी। 3 रीजन होते हैं यूट्रस के, फंडस बुडियन एंड सर्विक्स। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फंडस पे, जहां से आपकी फैलोपियन ट्यूब आ रही होती है दोनों साइड से और पूरे यूट्रस को अपर साइड से कवर करती है, कर रही है ना, अपर साइड से कवर कर रही है। इस पूरे अपर साइड को हम लोग बोलते हैं फंडस। इट इज द अपर डोम शेप्ड पार्ट। लिखा हुआ है ना कि यूट्रस का जो डोम अपर पार्ट होगा, इट इज कॉल्ड फंडस। नॉर्मली इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रॉय अकर्स इन द फंडस। एक्चुअली में होता क्या है, जब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगॉट बना, जायगॉट एम्ब्रॉय में आएगा। अब जो बेबी है, हमने क्या पढ़ा है कि यूट्रस में डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन हुआ है एम्प्यूला में। तो जब फर्टिलाइजेशन हुआ एम्प्यूला में, उस टाइमिंग पे वो जायगॉट था। जब जायगॉट एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता है, अपने आप वो फैलोपियन ट्यूब से बाहर निकल के यूट्रस में एंटर होता है और यूट्रस में भी सबसे पहले फ्यूंडस यानी कि अपर वाले पार्ट में अटैच हो जाता है। दिस इज द फ्यूंडस। उसके बाद आती है बॉडी। इट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूट्रस विच ग्रेजुअली टैपर्स डाउनवर्ड। ये जो आपको पूरा लार्ज पार्ट आपको दिखाई देता है ना, पूरा दिस वन हॉलो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा, इट इज बॉडी। बॉडी का मतलब पूरा इसका शेप। लास्ट होता है सर्विक्स। इट इज द नैरो नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा पूरा ही
रफ हो गया, दोबारा बना देते हैं। यहाँ पे ये आई मीन जो बॉडी थी, यहाँ बॉडी जहां पर फिनिश होती है, इस बॉडी में एक छोटी सी ओपनिंग होती है, नैरो नेक, नेक मतलब गला एक तरीके से नैरो, तो पतली सी गली सी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ। इट एक्सटेंड इन टू द वजाइना, ये सर्विक्स क्या करती है, जो वजाइना होता है यूट्रस के बाद, उसमें एक तरीके से यूट्रस और वजाइना की ओपनिंग है, यूट्रस के बाद वजाइना वाला पार्ट आता है, तो सर्विक्स क्या है, ये बीच की ओपनिंग है जो यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट कर रही है, लिखा हुआ है ना, इट पैसेज हैज टू ओपनिंग्स, एन इंटरनल ऑस टुवर्ड्स द बॉडी एंड एक्सटर्नल ऑस टुवर्ड्स द वजाइना। एक ओपनिंग यहाँ पर है यूट्रस के अंदर, एक ओपनिंग है वजाइना के बाहर, यहाँ इधर की साइड, बाहर की साइड। तो जब सर्विक्स का ओपनिंग बॉडी यानी कि यूट्रस की बॉडी में हो रहा है, उसे हम बोलते हैं इंटरनल ऑस। व्हेन सर्विक्स इज ओपनिंग इनटू द बॉडी ऑफ द यूट्रस, इट इज कॉल्ड इंटरनल ऑस। व्हेन द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स इज टुवर्ड्स द वजाइना, इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल ऑस। डोंट बी कंफ्यूज, सबसे पहला फ्यूंडस था जो अपर पार्ट होता है हमारे यूट्रस का, जहां पर एम्ब्रॉय अपना ग्रो होता है, उसके बाद यूट्रस की पूरी बॉडी आती है एज यू कैन सी। फिर यूट्रस की बॉडी में सबसे लास्ट पॉइंट और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक ओपनिंग होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, जिसकी लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर। दो ओपनिंग होती है, एक तो यूट्रस की डायरेक्शन में राइट, एक वजाइना की डायरेक्शन में। जब सर्विक्स यूट्रस की डायरेक्शन में ओपन हो रही है, इट इज इंटरनल ऑस, और जब यही सर्विक्स की ओपनिंग वजाइना की तरफ हो रही है, इट इज एक्सटर्नल ऑस। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा इतना। इंटरनली द यूट्रिन वॉल कैन डिस्टिंग्विश इनटू थ्री लेयर, हम थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिस इज सर्विक्स, दिखाई दे रही है सर्विक्स, आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज सर्विक्स। इंटरनल ओ एस, इंटरनल ओ एस यानी कि जो इंटर अंदर की साइड जो इसमें ओपनिंग हो रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरनल ओ एस। अब देखिए यहाँ पर ये फंडस वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज फंडस एज यू कैन सी, एंड दिस वन इज द बॉडी, लिखा होगा यहाँ कहीं, यहाँ पे लिखा नहीं है, बट दिस वन इज द बॉडी, और लास्ट में यहाँ पर होता है सर्विक्स, एज यू कैन सी दिस वन इज द सर्विक्स। ये पूरी इसकी केनाल है, जितने 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ होती है ना सर्विक्स की, तो उस पूरी लेंथ एक तरीके से केनाल बन गई, तो उसे बोलते हैं सर्विक्स केनाल। इसकी ओपनिंग अंदर की साइड हो रही है, इट इज इंटरनल ओ एस। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट, हाँ देखो एक्सटर्नल सर्विकल ओ एस यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जो वजाइना की बाहर की तरफ ओपनिंग हो रही है, इट इज एक्सटर्नल ओ एस, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है, दिस वन इज द वजाइना, यहाँ पे बोला क्या गया है कि एक सेकेंड मैं थोड़ा सा समरी लगाती हूँ। यहाँ पे इंटरनली द यूट्रिन वॉल कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू थ्री, ये जो पूरी यूट्रस था, इस यूट्रस में तीन वॉल होती हैं, द यूट्रस हैज थ्री वॉल, वॉल कह दो, मेम्ब्रेन कह दो, कुछ भी कह दो। आउटर मोस्ट होती है पेरिमेट्रियम, द मिडिल वन इज मायोमेट्रियम एंड मेडअप ऑफ थिक लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स, एंड द इनर मोस्ट इज एंडोमेट्रियम। तीन लेयर हो गई, सबसे पहली पेरिमेट्रियम, आउटर मोस्ट, मिडल में होती है मायोमेट्रियम, और सबसे इनर मोस्ट होती है आपकी एंडोमेट्रियम। इसको भी थोड़ा सा डायग्राम से देख लिया हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं लेयर दिखा देती हूँ, ये पूरा हमारा यूट्रस है, यहाँ पे सबसे जो इनर मोस्ट लेयर आपको दिखाई दे रही है दिस वन, ये होती है हमारी एंडोमेट्रियम। जो मिडिल लेयर होती है वो होती है हमारी मायोमेट्रियम, जो मिडिल लेयर होगी, और सबसे जो एक्सटर्नल लेयर होती है ये होती है पेरिमेट्रियम, आउटर मोस्ट पेरिमेट्रियम, मिडिल में मायोमेट्रियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, एंडोमेट्रियम। तीन लेयर प्रेजेंट होती है हमारी। अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं क्या क्या किसका फंक्शन है। द यूट्रिन वॉल, हाँ, आउटर मोस्ट पेरिमेट्रियम, मिडिल थिक मस्कुलर मायोमेट्रियम, मेडअप ऑफ थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ये जो मायोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम आपकी स्मूथ मसल से बनी होती है,
and vigorous contraction of these muscles cause labor during the पेट्रेशन दैट मीन चाइल्ड बर्थ. और जब बेबी 9 मंथ का हो जाता है दैट मीन डिलीवरी टाइम होता है, तो डिलीवरी के टाइमिंग पर मदर को बहुत पेन होता है. ये पेन इसीलिए होता है जो इसमें मायोमेट्रियम लेयर होती है, मायोमेट्रियम हमारी मेम्ब्रेन होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, सुकड़ने लगती है बहुत बुरी तरीके से. देखिए सपोज करिए यहाँ पर क्या है, ये यूट्रस है, यूट्रस में पूरा बेबी प्रेजेंट है. बेबी क्या धीरे 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 बड़ा होता है, यूट्रस में इतनी जगह नहीं है लेकिन बेबी स्टिल वहां पर बड़ा हो रहा है. ठीक है, एक टाइम ऐसा आता है कि जितनी लेंथ होती है यूट्रस की उतने बेबी उसको स्ट्रेच कर देता है, उससे ज्यादा उसकी लेंथ स्ट्रेच नहीं हो सकती. तो ये जो मायोमेट्रियम जो लेयर है भाई उसका स्ट्रेचिंग पावर इतना था, इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, उसके बाद सुकड़ना शुरू कर देती है, उसके बाद भी सुकड़ना शुरू कर देती है. जिसके टाइमिंग पर जो जब वो सुकड़ना शुरू करेगी, बेबी तो अंदर ही है, तो बेबी को धक्का देती है. भाई बेबी को चाहिए जगह लेकिन वो सुकड़ रही है, जब वो सुकड़ती है तो बेबी को आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करने की कोशिश करती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पेट्रेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ. द इनर मोस्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम और म्यूकोसल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. इनर मोस्ट मेम्ब्रेन हमारी एंडोमेट्रियम है, इसको हम लोग म्यूकोसल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है. द थिकनेस ऑफ दिस रेगुलरली अंडरगोस चेंज इन द ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल. ये जो एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनेस बदलती रहती है, इसलिए बदलती रहती है क्योंकि वहां पर पूरा ब्लड के जो मतलब ब्लड होता है वो इकट्ठा होता चला जाता है. एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसे यूट्रस है, यहाँ पे इनर मोस्ट आपकी एंडोमेट्रियम है. हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड यहाँ इकट्ठा होता चला जाता है. जब यहाँ पर बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम पहले इतनी थी क्योंकि जब उसमें ब्लड का इकट्ठा नहीं था, जब ब्लड इकट्ठा हो गया तो इतनी हो गई. तो थिकनेस इसकी डिपेंड करती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के चेंजेस पर. इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड यूट्रिन ग्लैंड्स. ये जो एंडोमेट्रियम है इसमें ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती है और बहुत सारी यूट्रस ग्लैंड्स अटैच रहती है. एंड दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस. इन ब्लड वेसल्स का और जो ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है उसका काम होता है कि जब बेबी प्रेजेंट होता है वूम में यानी कि यूट्रस में, तो उसको पूरा नरिशमेंट प्रोवाइड करना. क्लियर होती है, आई होप क्लियर हो गया हुआ यहाँ तक. डू यू नो यूट्रस कैंसर, आप लोगों ने सुना होगा. मोस्ट ऑफ द यूट्रस कैंसर बिगिन इन द लेयर ऑफ सेल दैट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस. ये जो यूट्रस कैंसर है ना, जो एंडोमेट्रियम बनते हैं ना, जो सेल जिस सेल से बनते हैं उस सेल्स में होता है. सिम्टम्स हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज, एबनॉर्मल वाटरी ब्लड टेक डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना एंड पेल्विक पेन. सिम्टम्स हैं एबनॉर्मल ब्लीडिंग इन पीरियड्स, वजाइनल ब्लीडिंग कभी भी, मेनोपॉज के बाद भी, एबनॉर्मल वाटरी सब्सटेंस रिलीज होना, ब्लड टेक डिस्चार्ज फ्रॉम वजाइना एंड पेल्विक पेन. डिटेक्शन, इट इज डायग्नोस्ड विद अ पैप स्मीयर टेस्ट बायोप्सी अल्ट्रासाउंड. एक पैप स्मीयर टेस्ट होता है या फिर अल्ट्रासाउंड के थ्रू इसका डिटेक्शन कहते हैं. ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस दैट इज हिस्टेरेक्टोमी. या तो कीमोथेरेपी कराई जाती है या फिर यूट्रस को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसका जो कैंसर है अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं और कहीं उस पर ना स्प्रेड हो. और द रिमूविंग ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी. यहाँ तक आज तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. उसके बाद वजाइना वाला पार्ट है जो लास्ट ऑर्गन है पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, उसको हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. और मेरे ख्याल से आज तक का आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आशा है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.